हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह चैनल। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं, पसंद करें बाबू को लाइक करें। बाबू, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस का महत्व क्या होता है, इन तमाम पहलुओं पर हम आपको पूर्ण रूप से बताने के लिए जा रहे हैं। बाबू, सेंटेंस का मतलब होता है वाक किसे कहते हैं। अब प्रश्न, शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से कर्मबद्ध होकर पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी डिफिनेशन के अनुसार, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। वी आर कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम गोज टू मार्केट, सीता स्लिप, गोपाल गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर इट इज। अब आई टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। बाबू, सेंटेंस छह प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक हुआ। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक हुआ। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक हुआ। चौथा इंफ्रेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक हुआ। और पांचवा ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर प्रेरणार्थक हुआ, तो जिसमें मतलब कि प्रेरणा दिया जाता, सलाह प्रेरणार्थक वाक्य, जिसमें मतलब कि कर्स आशीर् कर्स कर्स पूछते हैं ना, कर्स आशीर्वाद, समझे, कर्स आशीर्वाद और ऐसे सब जो है ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य हर्ष खेद को हम व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कहते किसे, असर्टिव सेंटेंस जो वाक जो कथन साकार, जो कथन साकार हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस, जिसमें ना नहीं, क्या, क्यों, नहीं लगा, जो वाक साकार होता है, अच्छा होता है, उस वाक को हम असर्टिव सेंटेंस के वाक। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, तो राम एक, राम भी एक शब्द है। देखिए, राम बाजार जा रहा है, तो ये जो वाक मैंने बोला, तो शब्दों के मिल से बोला, या शब्दों के उचित मिल को जो हम रख कर करके कोई वाक को बोलते हैं, तो वो वाक कहलाते हैं। और राम बाजार जा रहा है, तो वो राम का जाना प्रत्यक्ष है, समझे, इसमें ना मैं क्या क्यों नहीं लगा हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए, असर्टिव सेंटेंस के बनाने का रूल क्या है। तो बाबू, बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस ऑर्डर।
अब देखिए इसमें दो रूल अप्लाई, अगर असर्टिव सेंटेंस का वाक में कर्ता का होने या अवस्था को बताने की बात है तो मतलब एस प्लस ए भी प्लस ओ नहीं सकती। जैसे तुम लोग विद्यार्थी यानी तुम लोगों के विद्यार्थी होने का बोध हो रहा है ना, तो जब तुम लोग विद्यार्थी हो जब तुमको मतलब कि तुम लोग विद्यार्थी हो तो ये बोध क्या करा रहा है होने का, तुम लोग विद्यार्थी हो समझे। और ऐसे सेंटेंस में बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ग्रुप कर करके हम वाक को बनाते हैं। लेकिन जब अगर हम टेंस के आधार पर जब बनाते हैं वाक को तो टेंस बाबू क्या है जी, तीन प्रकार का होता है, तीनों को चर चर भेद है, तो मिलाकर जब 12 प्रकार के हो गए ना टेंस। और उसके साथ साथ में मॉडर्न वर्ब के भी सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, समझिए उसका स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया है। सब्जेक्ट क्लास अकॉर्डिंग टू सब ध्यान दीजिएगा, बाद में मार्मिक बात होगा। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस द कंडीशन ऑफ वर्ब प्लस यानी कर्ता काल के अनुसार क्रिया की अवस्था प्लस अन्य शब्द लगा करके वाक्य को बनाया जाता है असर्टिव सेंटेंस के अंदर। उदाहरण के लिए देखिए, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। तो ये जो बाजार राम बाजार जाता है किस टेंस में जी, तो प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस के वाक्य है बात। तो ऐसे सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी आई प्लस ऑब्जेक्ट करके हम वाक्य को बनाते हैं ना। और प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, पता है ना। तो ये जो रूल अप्लाई हो रहा है ना, अब जैसे गोपाल क्रिकेट खेल रहा है तो गोपाल इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह जो टेंस खेल रहा है तो क्या गोपाल क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो गोपाल इज प्लेइंग क्रिकेट। ये जो वाक है इसको कैसे बनाएंगे, ये कंटिन्यूअस टेंस के वाक हैं, इसका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक को बनाते हैं। और बनाते हैं ना, तो बनाते हैं ना, तो ये जो वाक कहने का मेरा अभिप्राय है कि मतलब कि जितने भी यानी 12 प्रकार के टेंस हैं या और मॉडल वर्ब के सेंटेंस हैं, तमाम असर्टिव सेंटेंस बनाने के ये रूल अप्लाई होता है सब्जेक्ट क्लास अकॉर्डिंग टू टेंस क्लास कंडीशन ऑफ वर्ब लूप, समझ गए। अब देखिए राम गोज टू मार्केट 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 है फर्स्ट टेंस के वाक्य इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस पता है ना। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक भाव प्रकट करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस को रूल को हम अप्लाई करते हैं ना। जैसे तुम लोग विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट स्टूडेंट, बोलिए ना, नकारात्मक भाव तो आ रहा है ना। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का अंतर्गत में भी दो रूल अप्लाई होता है, समझिए। अगर कर्ता की अवस्था को दर्शाने की बात होती है
तो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस यूनिफॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑर्डर लूप करके हुआ को बनाते हैं, जो कि मैंने पहले सेंटेंस बोला कि तुम लोग विद्यार्थी नहीं हो तो आपकी अवस्था को दर्शाने के लिए समझे यूनिफॉर्म का प्रयोग हो गया और उसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस यूनिफॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑर्डर। लेकिन जब टेंस के आधार पर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस द कंडीशन ऑफ वर्ब प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा जी, नॉट प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस ऑन, समझ गए ना। जैसे उदाहरण के लिए राम, आप देखिए चेंज कर आप, राम डज नॉट या राम, उसको बहुत स्पष्ट से बोल सकते हैं, राम डज नॉट या राम डज नॉट, राम बाजार नहीं जाता है, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर होता है, आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट और ये देखिए जोड़ी भर है, जोड़ी भर 24 होते हैं बाबू, होते जिसके अंतर्गत डू और डज भी आते हैं, समझे। यहाँ पर एक्जुरी भार सब्जेक्ट प्लस एक्जुरी भार प्लस नॉट प्लस डी वन प्लस ऑब्जेक्ट करके हम वाक्य बनाते हैं, समझ गए। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब प्रश्नात्मक जिसमें क्या क्यों कैसे कहाँ, समझे, यानी कि जो किसी ढंग कोई भी किसी व्यक्ति कोई भी सेंटेंस को जो हम बोलते हैं जिसमें प्रश्न करते हैं या प्रश्न का भाव रखते हैं, ऐसे बात को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं। जैसे क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, ये जो है क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, इसमें भी दो मतलब स्ट्रक्चर, दो मतलब सेंस होता है, एक सेंस होता आता है प्रश्नात्मक वाक्य होता है तो वो प्रश्न स्वतंत्र, क्या मैं तुमको पढ़ाता तो स्वतंत्र वाक्य, समझ गए ना। और एक होता है डब्ल्यू एच मीन्स होता है क्या क्यों कैसे, जो वर्ड होते हैं उसका प्रयोग होता है, समझ गए ना। पहला हम बता रहे हैं जिसमें मतलब कि क्या शब्द आगे लगा रहता है और वाक्य के अंत में जो बड़ी मास लगे रहते हैं तो वैसे वाक्य और इसके बनाने का रूल है, पहले हमें धातु को आगे रखते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट रखते हैं और क्या करते हैं और डब्ल्यू लगा करके वाक्य को बनाते हैं, वो कौन कौन जिसमें क्रिया की अवस्था को दर्शान कर्ता की अवस्था को दर्शाने। लेकिन जब हम मतलब के टेंस के आधार पर वाक्य को जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले क्या होता है एक्जुरी भाव, एक्जुरी भाव बाबू होता है कितने होते हैं एक्जुरी भाव, 24 होते हैं, समझे, उसको हेल्प मत करें 24 होते हैं, समझे, उसको हम पहले रखेंगे जिस टेंस के आधार पर आधारित होगा उसके एक्जुरी भाव को आगे, समझ गए। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस कंडीशन ऑफ वर्ब प्लस ऑर्डर प्लस एक्जुरी भाव से लगा करके क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, समझ गए। अब देखिए टेंस के आधार पर आप देखिए टेंस के आधार पर यहाँ पर देखिए डैस राम गो टू मार्केट क्या राम बाजार जाता है तो यहाँ पर देखिए डैस का जो मैंने प्रयोग किया है समझ पाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद क्या है ये रीजन को रखते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्लस लगाते हैं, मैंने बनाया, समझ गए। ये जो हुआ तो जो भीड़ भर क्या शब्द जो आगे रहते हैं उसकी, दूसरा है नियम इसका जो है रूल है स्ट्रक्चर है बनाने का बाबू,
ये क्या है जी, WH यानी क्या कौन ऐसे जो वाक में होते हैं जो कि कर्ता के बाद मतलब हिंदी में अप्लाई किए जाते हैं वर्ड, समझ रहे, क्या क्यों कैसे कहाँ कौन ये सब। तो जब हम इसको अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार इसको जब बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं WH के वर्ड को रखते हैं, समझ गए, उसके बाद क्या करते हैं जी कै भी को रखते हैं, यानी एक दिल भाग को रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये यू वन को रखते हैं प्लस और जिट लगाते हैं भाग को बनाते हैं, समझ गए ना। जैसे देखते हैं व्हाट डज ही गो टू मार्केट, वह क्या बाजार जाता है, वह है क्या बाजार जाता है, तो इसमें क्या हो पानी वर्ड को समझे। और उसके बाद गिलहर डज का प्रयोग होता है गिलहर में, और ही आपको ई सी ई विथ नेम के साथ में डज का प्रयोग होता है, समझ गए, इंफ्रेडी सेंटेंस जिसमें इंफ्रेडी सेंटेंस आदेश निर्देश, समझे, आदेश निर्देश निषेध और आग्रह विनय तमाम भाव को प्रकट करना, ऐसे तमाम भाव को प्रकट करने के लिए हम मतलब क्या करते हैं इंफ्रेडी सेंटेंस के वाक्यों को अप्लाई करते हैं। हाँ, अब आप देखिए इसमें डू, मैंने ऊपर ही पढ़ा था शब्दों के मेल से मतलब सेंटेंस बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है जिसे कम गो इसमें यू छिपा हुआ एक वर्ड का भी मतलब कि सेंटेंस बनता है, कम तुम आओ गो तुम जाओ गो देयर तुम वहाँ जाओ, देख रहे हैं, तो इसमें मतलब कि एक वर्ड के सेंटेंस के अंतर्गत, समझ गए। अब आइए बोलते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ये क्या है आदेश, समझे। दूसरा सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर, कृपया मेरी मदद कीजिए या करें भाग भरा। ये देख रहे एक में क्या है ऑर्डर है, एक में क्या है ये मतलब कि डोंट टच द वायर, कार को मत छुओ, समझ गए, ये क्या है निषेध, समझे, ऐसी बात जो है आते हैं आते हैं, समझ गए। अब आइए ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, समझे, आशीर्वाद इच्छा, आशीर्वाद इच्छा और आशीर्वाद इच्छा समझे श्राप के सब देने के लिए, समझे, ऐसे सेंटेंस को पता इच्छा आशीर्वाद जिज्ञासा या श्राप देने के लिए ऑपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, समझे। जैसे मे गॉड हेल्प मी, भगवान तुम्हारी मदद करे, समझे, तुम मर जाओ, हाँ बोलते हैं कि तुम गुस्सा में जाता तो बोलता तुम मरो, तो तुम मर जाओ क्या हो जाएगा, मे ही समझे, गॉड सेव द किंग, राजा भगवान को बचाए, समझे,
ऐसे संकलन संकलन आते हैं, इसके बनाने के भी दो रूल है। एक रूल है समझे, मीन प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्यूमन प्लस कॉन्जुगेशन। एक में क्या होता है समझे, भाग को समझ गए ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉन्जुगेशन को जैसे जैसे उदाहरण के लिए तुम फाइल हो तो कहते कुछ समझ, तुम फाइल हो जा समझ, मैं यू का तो हद होगा नहीं होगा ऐसे, मैं एक्सक्लामेटिव विस्मय बोधक वाक्य जिसमें हर्ष हर्ष उल्लास आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हर्ष उल्लास इत्यादि इस भाव को व्यक्त करने के लिए कि सेंटेंस का रूल को अप्लाई करते हैं। इसका रूल होता है एक्सक्लेमेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्यूमन प्लस ऑर्डर प्लस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का चिन्ह समझे। देखिए हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है, वेल डन वुमन, शाबाश बहुत है, काम करता है अच्छा काम करता है, शाबाश शाबाश वेल डन समझ गए। और वाह हम लोग जीत गए, ब्रा टेंस के परिभाषा को भी मैंने बता दिया, टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी बता दिया। अगले वीडियो में टॉपिक पर लेकर के आ रहे हैं, और असली सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है उस तमाम जो है सेंटेंस का आकर आपको आ जाए।